So good morning students, this is Dharmendra Kumar Santosh. I am a computer teacher and we will discuss about uses of computers at the railway station. We will computer is used in every place and computer is used also in railway station. So what are the uses of computer in railway station? Computers are used in railway station to book tickets. These days we can reserve tickets using a computer from house as well. So computer का use railway station पे होता है ticket book कराने के लिए, और आजकल घर बैठे भी इंसानों का railway ticket book होता है. इसकी सहायता से, computer की सहायता से वो घर बैठे ही अपना ticket book करवा लेते हैं. वैसे ही we get information about trains timing on the computer. This also tells as whether train would arrive and leave at the right time or not. जैसे कि अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो हमें पता हो जाता है कैसे, कंप्यूटर की सहायता से, कि हमारा ट्रेन राइट टाइम पर आ रहा है या नहीं. हमें अगर हमारा ट्रेन लेट होता है तो हम 2 घंटे लेट से जाते हैं. अगर हमारा ट्रेन 2 घंटे लेट से आता है तो हमें पता हो जाता है कि हमारा ट्रेन 2 घंटे लेट से है, उस हिसाब से हम अपने घर से निकलते हैं. तो हमें आसानी हो जाती है उसके द्वारा, इसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा हम जान जाते हैं कि हमारा कंप्यूटर, हमारा जो ट्रेन है वो लेट से आ रहा है. तो हमारा कंप्यूटर हमारी सहायता करता है कि हमें हमारे टाइम की बचत करता है, हमारे बहुत सारे काम को आसान करता है वो. सो कंप्यूटर कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट पैसेंजर्स. जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है पैसेंजर के बारे में कि कौन सा पैसेंजर कितने कहाँ का है पैसेंजर, उसे कौन सा सीट मिला है, उसे राइट सीट मिला है, अपर सीट मिला है, लोअर बर्थ मिला है या मिडिल बर्थ मिला है, वो सारी जानकारी कौन करता है, रखता है कंप्यूटर. सो इन हॉस्पिटल्स, अब हॉस्पिटल में इसका क्या प्रयोग है, हॉस्पिटल में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है इस कंप्यूटर का. कंप्यूटर कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट सच एज नेम्स, एड्रेस, फोन नंबर्स एंड देयर मेडिकल हिस्ट्री. जैसे आप हॉस्पिटल में चले जाइए, हॉस्पिटल में भी सारे रिकॉर्ड्स रखता है कंप्यूटर पेशेंट के बारे में कि कौन सा पेशेंट, जैसे ही पेशेंट आता है, चेकिंग होता है उसका, तो उसका नाम, एड्रेस सब कुछ लिखा जाता है, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका मेडिकल हिस्ट्री सब कुछ कहाँ होता है, कंप्यूटर. मेडिकल रिपोर्ट कैन बी प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड बाय यूजिंग कंप्यूटर. मेडिकल रिपोर्ट भी किसके द्वारा बनाया जाता है, कंप्यूटर की सहायता से. उसका सारा कंप्यूटर के द्वारा प्रिंटेड रिपोर्ट निकलता है और पेशेंट को दिया जाता है कि आपका मेडिकल रिपोर्ट क्या है. इसके बाद दे कीप अ ट्रैक ऑफ पेशेंट कंडीशन बाय चेकिंग थिंग्स सच एज हार्ट बीट्स एंड पल्सेस. और साथ ही साथ क्या पता किया जाता है कि पेशेंट का हार्ट बीट सही चल रहा है कि नहीं, कहीं उस पेशेंट का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट बीट में लो तो नहीं हो गया है, कहीं ज़्यादा हाई तो नहीं हो गया है. सब किसकी सहायता से पता चलता है, कंप्यूटर की मदद से. इसके बाद दे आर यूज फॉर टेस्टिंग आई साइट, और इसका प्रयोग आई साइट के लिए भी किया जाता है कि किसी पेशेंट का आई साइट ज़्यादा है, मतलब कम तो नहीं है, कम होता है तो उसको ग्लास के लिए प्रेफर किया जाता है, उसे ग्लास पहनने के लिए कहा जाता है. उसके बाद कंप्यूटर यूज बाय डॉक्टर इन द ऑपरेशन थिएटर. कंप्यूटर को आजकल ऑपरेशन थिएटर में भी रखा जाता है. उसमें जब ऑपरेशन होता है तो उसका हार्ट बीट नोटिस किया जाता है कि उसका हार्ट बीट सही चल रहा है या नहीं. बहुत सारी चीज़ें हैं इसका इस्तेमाल कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है. अब देखिए बैंक में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है. कंप्यूटर आज यूज टू कीप इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स. तो बैंक में कंप्यूटर का क्या जाता है, आज यूज टू कीप सारे कस्टमर का इंफॉर्मेशन कहाँ होता है, कंप्यूटर के अंदर. क्योंकि हमारे पास 2 या 3 कस्टमर तो है नहीं जिनका इंफॉर्मेशन हम अपनी बुक में रख लें. क्या अब बहुत सारे कस्टमर हैं, तो बहुत सारे कस्टमर का तो हमें इंफॉर्मेशन कहाँ रखना पड़ेगा, कंप्यूटर में. क्योंकि कंप्यूटर जो है उसका इंफॉर्मेशन, उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत लाखों करोड़ों इंफॉर्मेशन अपने अंदर रख सकता है. ATMs have computer that help us to withdraw money quickly. आपने देखा होगा जब आप ATM मशीन जाते हैं, जब आप अपना पैसा निकालने जाते हैं ATM मशीन में, तो वहाँ
वहाँ देखा होगा आपने वहाँ पे भी कंप्यूटर लगा हुआ है जिसकी सहायता से आप पैसे को आसानी से निकाल लेते हैं। मोर प्लस मोर यूज, अब और कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है। कंप्यूटर आर यूज टू कैलकुलेट एंड प्रिंट बिल्स इन शॉप्स। कंप्यूटर की सहायता से ही शॉप वगैरह में बिल्स बनाए जाते हैं, उसका पेमेंट किया जाता है, उसका पेमेंट प्रिंट बिल निकलता है और उसे प्रिंट बिल को देख के हम उसका पेमेंट करते हैं। एट केमिस्ट कंप्यूटर आर यूज टू फाइंड आउट क्विकली इन अ पर्टिकुलर मेडिसिन इज अवेलेबल और नॉट। अगर आप चले जाइए मेडिकल शॉप में तो वहाँ पता चल जाएगा कंप्यूटर की मदद से कि वो जो मेडिसिन आपको चाहिए वो मेडिसिन आपके मेडिकल शॉप में है या नहीं। वो तुरंत कौन बताएगा आपको, कंप्यूटर बता देगा कि ये मेडिसिन आपके शॉप में अवेलेबल है या नहीं। इसके बाद कंप्यूटर यूज टू बुक प्लेन टिकट एज वेल। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर की सहायता से आजकल प्लेन का टिकट भी बुक किया जाता है। इसकी सहायता से हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, हम खुद घर बैठे अपना प्लेन टिकट बुक कर सकते हैं। कंप्यूटर हैज बीन क्रिएटिंग एनिमेशन। कंप्यूटर जो आज के डेट में बच्चे देखते हैं कार्टून एनिमेशन, उसको भी कौन बनाता है, इसकी सहायता से बनाया जाता है, कंप्यूटर की सहायता से बनाया जाता है। और कंप्यूटर जो है वो बहुत ही लाभदायक होता है, उसके द्वारा हम बिल्स क्रिएट करते हैं, बिल्स प्रिंट करते हैं और उसकी सहायता से हम उसी बिल को देखकर हम पेमेंट भी करते हैं। सो कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल थिंग टू ह्यूमन बॉडी, इट इज़ वेरी वास्ट, ये हर जगह फैला हुआ है, ये इसका जो क्षेत्र तल है वो हर जगह फैला हुआ है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कंप्यूटर आज के क्षेत्र में बहुत ही ज़रूरी हो गया है और कंप्यूटर बहुत ही हमारी सहायता करता है। सो आई थिंक यू गेट इट माय पॉइंट स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास, हैव अ नाइस डे।